नमस्कार भाई लोग, तो आज आपका फिर से हमारे इस चैनल पोल्ट्री फार्मर डोमोन में स्वागत है। तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग अपने फार्म पे जेंटामाइसिन मेडिसिन लेकर आए हैं। इंजेक्शन है एक्चुअली ये, और 100 ml का एक डब्बा है, और साथ ही हम लोग लाए हैं NS सलाइन वाटर। इसको हम लोग मिक्स करके आज हम लोग अपने फार्म पे वैक्सीनेशन करेंगे। इसका कारण ये है कि आज हम लोग का फार्म पे भाई बहुत सारा बर्ड्स मर गया है। ये देखो 140 टोटल 140 बर्ड का मोर्टलिटी हुआ है, और जो कि हम लोग के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, साथ में FCR भी बढ़ जाएगा। तो शाम का भी 7 बज गया है और हम लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं, और साथ ही हम लोग 3-4 स्टाफ लगाए हैं वैक्सीनेशन करने के लिए। और हाँ, वैक्सीन एकदम हिसाब से उसके सर के नीचे का जो मांस है उस पर करना है, बॉडी में कहीं भी कर सकते हैं पोल्ट्री का, लेकिन यही है जो हम लोग को सुपरवाइज़र होता है कंपनी का डॉक्टर, वही ऐसे बताता है करने के लिए, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। और हाँ, उसका अनुमान भी वो बता कर जाएगा कि कितना करना है। तो मेरे पास 3,500 बर्ड्स था, उसमें से 300 मरे हैं, और बाकी 3,000 बर्ड्स के लिए हम लोग 4 डब्बा लाए हैं 100 ml का, मतलब 400 ml जेंटामाइसिन लाए हैं, और साथ में एक NS सलाइन वाटर, उसको मिक्स करके हम लोग 0.2 ml करके दे रहे हैं। 0.2 मतलब एक बर्ड में, 1 ml में 5 बर्ड होगा। तो इस तरह करके हम लोग पूरे फार्म का जितना भी बर्ड है सारा बर्ड्स को हम लोग एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे। तो एक फार्म में हम लोग का हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट जो दूसरा फार्म है उस पर आए हैं, इसमें कुछ बर्ड्स बाकी है, 1500 जैसा इसमें करना बाकी है। तो भाई लोग, हम लोग ये जेंटा कर क्यों रहे हैं फार्म में अपने चिक्स, जो हमारा पोल्ट्री है उसमें हम लोग ये इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं? तो होता क्या है कि ये गर्मी के दिन पे जो बर्ड्स होता है उसका बहुत सारा सीरियस बैक्टीरियल जो डिजीज़ होता है उसके बॉडी में वो आ जाता है, और जिसके वजह से वो खाना नहीं खाता, पानी टाइम पे नहीं पीता है, इकोला जैसी बीमारी भी आ जाता है, तो उसका टाइम पे ग्रोथ नहीं होता है। तो यही है कि इसको जंटस मारकर हम लोग वो ठीक करेंगे, और इसका फिर देखेंगे क्या रिजल्ट दे रहा है। तो गाइस, मेरा वीडियो यहीं तक था। आप लोग को इस तरह का छोटा छोटा वीडियो मिलता रहेगा, और आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना भाई लोग। धन्यवाद।